दिवाली पर्व के अगले दिन पड़वा पर यूं तो हर जगह गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन शाजापुर शहर के गबली समाज द्वारा की जाने वाली गोवर्धन पूजा अपने आप में अनूठी है। गाय के गोबर से पर्वत की आकृति बनाकर उस पर बच्चों को लेटाया जाता है। बच्चों के स्वस्थ रहने, घर एवं घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए गबली समाज जनों द्वारा सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। शाजापुर जिला विभिन्न त्योहारों को परंपराओं के साथ निभाने के लिए जाना जाता है। दीपावली पर्व के अगले दिन पड़वा को लेकर परंपरा काफी विशेष है। गबली समाज जन पड़वा को धूमधाम से मनाते हैं। समाज की महिलाएं पड़वा के दिन सुबह एक जगह एकत्रित होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की अनुकृति बनाती हैं, जिसके बाद हर घर से खीर पूरी और मिठाई भोग लगाने के लिए लाई जाती है। इस दौरान खास तौर पर हर घर से एक कुल्लड़ में गाय का दूध भी लाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि यह दूध पीने से वर्ष भर व्यक्ति निरोगी रहता है। सामूहिक पूजा के बाद समाज के पुरुष हाथों में धानी और बताशे लेकर गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा लगाते हैं, जिसके बाद बच्चों को गोवर्धन पर्वत पर ले जाने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर युवाओं तक को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत पर ले जाया जाता है, जिसके पीछे गबली समाज की मान्यता है कि इससे बच्चों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती। समाज के आत्माराम गबली, पूनम चंद गबली, हीरालाल गबली, प्रहलाद गबली, धनराज गबली बताते हैं कि परंपरा समाज में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है। गोवर्धन पर्वत का बचा हुआ गोबर देवउठनी एकादशी पर समाज जन अपने अपने घर लेकर जाते हैं, जिसे रसोई घर और पूजा घर में लीपा जाता है, ताकि घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। खास बात यह है कि आधुनिकता के बदलते दौर में भी समाज जन अपनी अनूठी परंपरा को बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ निभाते हैं। आप सभी शहरवासियों को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन काल से ही गवली समाज गोवर्धन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। इसी श्रृंखला में आज शाजापुर गवली समाज द्वारा गोवर्धन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमारे समाज की परंपरा है कि आज हम जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने का महत्व है और पुण्य फल है, गवली समाज को आज हमें यहीं पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से हमें वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को आज भगवान गोवर्धन के शरण में उनकी गोद में लेटा हैं तो हमारे बच्चे साल भर निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। भगवान गोवर्धन को चढ़ाया हुआ दूध और खीर यदि आज हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम सभी युवा सारी बुराइयों से बचे रहते हैं और साल भर तक निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। आप सभी को अपना गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट।